हेलो फ्रेंड, दिस इज ओरेकल एपेक्स ट्यूटोरियल्स बाय जानहैंड। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपका ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते आगे बात करते हैं हमारे आज के लर्निंग टॉपिक की, जो कि है इम्प्लिसिट डायनेमिक एक्शन और कास्केडिंग लिस्ट ऑफ वैल्यू। सो फ्रेंड्स, आज के जो हमारे एग्जाम्पल है बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट और इम्प्लॉयज टेबल्स के ऊपर है। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे फॉर्म्स में कि बेस्ड ऑन वन पर्टिकुलर सिलेक्टेड ओपन फिल्टर आउट सेकेंड सिलेक्टेड। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि आपको एक कंट्री का सिलेक्ट लिस्ट आपको प्रोवाइड करके फॉर्म्स के ऊपर, जिसमें आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करते हैं, इंडिया सिलेक्ट करते हैं, यूएसए सिलेक्ट करते हैं, जो भी आपकी कंट्री है। जैसे कि आपने इंडिया सिलेक्ट करा, देन आपके फॉर्म में नीचे एक और कॉलम्स भी आपको दिया हो जाता है कि आपने कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। तो बेस्ड ऑन कंट्री, जैसे ही आप इंडिया सिलेक्ट करते हैं तो आपका फिल्टर हो के आपके जो सेकंड जो आपकी सिलेक्ट लिस्ट होती है वो फिल्टर हो जाती है बेस्ड ऑन इंडिया। सो उसके बाद आपका क्या होता है, स्टेट आपको मिल जाता है। स्टेट मिलने के बाद आपको क्या मिलता है, आपको सिटी आपको एंटर करना होता है। तो आप क्या होता है, जैसे ही आप स्टेट सिलेक्ट करते हैं तो सिटी आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, फिल्टर होकर आपको शो हो जाती है। सो इसी तरीके है कि हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट आपका कौन सा डिपार्टमेंट नंबर है, उसमें उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कितने एम्प्लॉयज आपके वर्किंग है, आज हम उसको करेंगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो आपको आइटम्स क्रिएट करने हैं। हम सबसे पहले इसको क्विक एडिट क्लिक, आ गए हम अपने रीजन पे। रीजन पे जैसे ही आते हैं हम, यहाँ पर हमने दो आइटम्स क्रिएट करके हैं, पी टू डिपार्टमेंट, पी टू एम्प्लॉय। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको सिलेक्ट लिस्ट क्रिएट करनी है। सिलेक्ट लिस्ट जैसे ही आप क्रिएट करते हैं आपको कहाँ एरर शो होगा, लिस्ट ऑफ वैल्यूज में, कि यहाँ पे आपको वैल्यूज देनी है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्वेरी में आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट नाम शो करना है। तो डी नेम डिस्प्ले, और हमें रिटर्न क्या करवाना है, डीपीटी नंबर। हमें क्या करवाना है, रिटर्न फ्रॉम डीईपीटी डिपार्टमेंट से। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेरी को वैलिडेट कर सकते हैं कि आपकी क्वेरी सही है या गलत है। यहाँ क्या आ गया, वैलिडेशन सक्सेसफुल, इट मीन्स आपकी जो क्वेरी है वो बिल्कुल राइट है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले एक्स्ट्रा वैल्यूज नो कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, सिलेक्ट, जो कि आपको सबसे पहले शो होगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑलवेज रिप्लेसिंग यानी एग्जिस्ट वैल्यू इन सेशन। अगर आपके सेशन में कोई भी वैल्यू पहले से एग्जिस्ट होगा, इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। आप इसको सेव करेंगे, रन करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका डिपार्टमेंट है इसमें आपके जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स कॉलम से जो भी आपके वैल्यूज हैं वो आपको मिल गए। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी एम्प्लॉयज की टेबल है, एम्प्लॉयज की टेबल से हमें वो डेटा मैच करवाना है जो डिपार्टमेंट से एग्जिस्ट जो भी एम्प्लॉयज हैं वो हमें शो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें एम्प्लॉयज पे क्या करना है, सिलेक्ट लिस्ट क्रिएट करते हैं। सिलेक्ट लिस्ट में आपको क्या करना है, एसक्यूएल क्वेरी पे आपको सिंपल सी क्वेरी लिखनी है, सिलेक्ट। अब आप एम्प्लॉयज में क्या दिखाना चाहते हैं, ईएमपी नेम डिस्प्ले और ईएमपी नंबर आप क्या करवाना चाहते हैं, रिटर्न फ्रॉम, किससे करवाना चाहते हैं, ईएमपी से। अब आपको यहाँ पे क्या लगाना है, वेयर कंडीशन, वेयर डीईपीटी नंबर, डीपीटी नंबर आपका क्या होना चाहिए, एनवीएल। एनवीएल फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करते हैं ताकि हमें अगर कोई नल वैल्यू मिलती है उसको क्या करें, रिप्लेस कर दे। कॉलन, जो भी आपका यहाँ पे हमें वैल्यू सेट करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आइटम को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद जहाँ पे आपको शो हो रही है, अब कॉलन से क्या होगा, जो भी आपके आइटम में वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगी और रिप्लेस किससे हो जाएगी, डिपार्टमेंट नंबर से। उसको हम वैलिडेट करते हैं,
वैलिडेशन सक्सेसफुल। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्प्ले नन सिलेक्ट सेव। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आप डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे रिसर्च, बट आपको सारे एम्प्लॉय शो हो रहे हैं। आप उसके बाद सेल्स भी सिलेक्ट करते हैं बट आपको सारे एम्प्लॉय शो हो रहे हैं। उसके बाद आप ऑपरेशन सिलेक्ट करते हैं फिर भी आप। सो यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, जैसे ही आप यहाँ पे P2 के अंदर आप वैल्यू लिखते हैं, आपको यहाँ पे शो होगा कास्केटिंग लिस्ट लव पेरेंट्स आइटम। यहाँ पे आपको क्या देना होता है, जिस आइटम से आपको वैल्यू चाहिए होती है। तो हमें किस आइटम से वैल्यू गेट करनी है, डिपार्टमेंट से। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, P2 डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना है। देन आइटम टू सबमिट, किस में आइटम सबमिट करवाना है आपको, P2 पे ही हमें क्या करवाना है, आइटम सबमिट करवाना। आप यहाँ से सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप इसको रन करिए अपनी एप्लीकेशन को। अब क्या होगा, आप जैसे ही डिपार्टमेंट अकाउंटिंग सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश के बाद आपके अकाउंटिंग के कितने एम्प्लॉयज है, किंग क्लर्क और मिलर, ओके 3 एम्प्लॉय। देन रिसर्च के आपके कितने एम्प्लॉय है, जॉन स्कॉट फोर्ड स्मिथ। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कंट्री वेज भी आप इस तरीके से सिलेक्ट क्वेरी बना सकते हैं। अब इसी को हमारे पास दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। अभी हमने क्या करा, एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू करा है, एसक्यूएल क्वेरी के। अब हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज में हम शेयर्ड कंपोनेंट के भी थ्रू कर सकते हैं। सेम इसी इस क्वेरीज को हमें क्या करना होगा, अपने शेयर्ड कंपोनेंट में सेव करना होगा। अब हम शेयर्ड कंपोनेंट में किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने शेयर्ड कंपोनेंट में। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो सेकंड इसमें एग्जांपल है, इम्प्लिसिट डायनेमिक एक्शन यूजिंग शेयर्ड कंपोनेंट। तो सबसे पहले आपको शेयर्ड कंपोनेंट में जाएंगे, आपको यहाँ पे शो होगा अदर कंपोनेंट्स। अदर कंपोनेंट्स में आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज में जाना होगा। हमने यहाँ पे पहले से क्या कर रखा, अपना लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्रिएट कर रखा है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज। आप जैसे ही आप डिपार्टमेंट में देखेंगे तो आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। जैसे आप अगर हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा, हम क्या करेंगे, एडिट एडिट देखेंगे। जैसे कि हमने वहाँ पे सिलेक्ट सिलेक्ट की क्वेरी हमने यूज़ करके, सेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी यूज़ करनी है और इसको अप्लाई करनी है। ये जो हमारा शेयर्ड कंपोनेंट होता है, इसको हम अपने विद इन एप्लीकेशन हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम इसको बार बार रीयूजबल भी हो सकता है हमारा शेयर्ड कंपोनेंट एक बार क्रिएट करने के बाद। यहाँ पे बस आपको आइटम नेम चेंज करना होगा और सेम आप देखेंगे यहाँ पे हमने उसी तरीके से हमने क्या रखा है, उसी क्वेरीज को हमने यहाँ पे राइट आउट कर रखा है। एक आपको शेयर्ड कंपोनेंट क्रिएट होने के बाद, जैसे ही आप शेयर्ड कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन पाएंगे क्विक एडिट क्विक एडिट करने के बाद आप अपने यहाँ पे सिलेक्ट लिस्ट सिलेक्ट कीजिए। देन लिस्ट ऑफ वैल्यूज में शेयर्ड कंपोनेंट, शेयर्ड कंपोनेंट में आपको क्या चाहिए, पहली वैल्यू में आपको क्या चाहिए, डिपार्टमेंट। यहाँ पे सिलेक्ट देन आपको यहाँ पे सेकेंड आइटम में भी आपको सिलेक्ट लिस्ट चाहिए, किससे चाहिए, शेयर कंपोनेंट से। शेयर कंपोनेंट में आपकी लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्या है, एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज में आप डिस्प्ले नो देन सिलेक्ट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कास्केडिंग वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है डिपार्टमेंट वन और सबमिट करवाना डिपार्टमेंट वन पे। और आप जैसे ही आपको सेव करवाएंगे, सेव करते हैं आप अपनी एप्लीकेशन को, रन करवाइए। आप यहाँ पे देखेंगे डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट नंबर से करा है, डिपार्टमेंट नंबर 10 है, उसके एम्प्लॉयज क्या है, किंग। इसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है, उसके एम्प्लॉयज कौन है, ये है। सो ये था हमारा